अगर फुल आस्तीन ना हो तो क्या नमाज हो जाएगी? अगर मुकम्मल आस्तीन नहीं थी लेकिन कोहनियों से नीचे थी तो इस हालत में जो नमाजें पढ़ी हैं क्या वो नमाजें अदा हो गई या वो वापस लौटाई जाएंगी? देखें, मर्द के लिए सिर्फ नाफ से लेके घुटने तक का इलाका छुपाना फर्ज है। ये जिस्म की बॉडी ऐसी है जो सतर में दाखिल है, तो अगर कोई मर्द सिर्फ नाफ से लेके घुटने तक एक तहबंद बांध के नमाज पढ़ लेता है तो फर्ज उससे भी अदा हो जाएगा। अलबत्ता ये बात जरूर है कि जिस लिबास में इंसान किसी आम मजलिस में जाते हुए शर्माता है तो उस लिबास में अल्लाह के सामने नहीं खड़े होना चाहिए। आप धोती बनियान में आ गए, इस लिबास में आप कहीं भी नहीं जाते, आपको शर्म आती है, तो अल्लाह के सामने भी आप प्रॉपर ड्रेस में खड़े हो, पूरा लिबास हो। तो फुल आस्तीन या हाफ आस्तीन से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है कि सतर छुपा हुआ होना चाहिए और आपकी ड्रेसिंग ऐसी हो जो एक नॉर्मल ड्रेसिंग होती है। ऐसी ड्रेसिंग ना हो जिसे पहन के आप किसी भी मजमे में जाते हुए शर्म महसूस करते हैं, अपने दोस्त के सामने भी नहीं आते उस ड्रेसिंग में। तो लिहाजा मर्द अगर हाफ आस्तीन में नमाज पढ़ता है या शर्ट पहन के नमाज पढ़ता है तो इस कोई हर्ज नहीं है, ना कोई मकरूह है, कुछ भी नहीं।